थोड़ी देर में बात करने वाला iOS विजेट एप्लीकेशन के बारे में। जैसे इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो iOS के मतलब जो एप्पल के फ़ोन होते हैं उनके जो विजेट्स होते हैं उसको आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर ऐड कर सकते हो। किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज़ करना है और किस तरीके से मतलब आप ऐड करना है आपको, तो आज के वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो एप्लीकेशन की लिंक आपको पिन कमेंट्स के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड भी किस तरीके से करना है तो आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विजेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आने के वक्त आपको यहाँ पर करना है कोई भी एक विजेट वगैरह यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। सपोज यहाँ पर मैं इस विजेट को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो वो जिस तरीके से विजेट को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, इसका आप इसका साइज़ वगैरह आपको यहाँ पर सेट करना है, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए या फिर मीडियम वगैरह आपको चाहिए, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड विजेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको ऐड ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर इसके यहाँ पर नीचे ऐड कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका जो आप एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर इस तरीके से विजेट ऐप यहाँ पर आपको शो होगा। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे विजेट एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल एप्लीकेशन को यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विजेट यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, एक सेकंड आपको मुझे बैक कर लेते हैं। बैक आने यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे विजेट्स ऐड करने के, या फिर जो इस तरीके से आप पैनल वगैरह ऐड कर सकते हो अपने iOS के, मतलब जो पैनल होते हैं उसको आपकी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कैलेंडर वगैरह, क्लॉक्स वगैरह आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो सेटिंग के अंदर जाकर वो कुछ बेसिक चीज़ें आप चेंज करते हो, लैंग्वेज वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने की जो लिंक है मैंने पिन कमेंट्स के अंदर दे रखी है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दोनों यूट्यूब चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद अनलॉक लिंक पर क्लिक करके एक सेकंड यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आना और गेट लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो।